दिलजीत दोसांझ का दिलनुमाटी टूर इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन 15 नवंबर को हैदराबाद में होने वाले उनके कॉन्सर्ट से पहले ही तेलंगाना सरकार ने ऑर्गेनाइजर को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तीन गानों यानी पटियाला पैग, पंजतारा और केस पर रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये सारे गाने शराब, नशे और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26-27 अक्टूबर को दिलजीत का लाइव शो हुआ था, जिसके बाद काफी बवाल मच गया। शो के बाद स्टेडियम में शराब की बोतलें, पानी की प्लास्टिक की बोतलें और सड़ा गला खाना पड़ा मिला। ये हालत इतनी खराब थी कि खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। इसके बाद स्टेडियम मैनेजमेंट ने काफी नाराजगी जताई। तेलंगाना सरकार ने इन गानों पर रोक लगाने के साथ साथ ऑर्गेनाइजर को ये भी कहा है कि बच्चों को स्टेज पर ना बुलाया जाए और म्यूजिक की आवाज भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है कि जिससे बच्चों और बड़ों की सुरक्षा बनी रहे। दरअसल चंडीगढ़ के पंडित राव धरनवार ने 4 नवंबर को शिकायत की थी कि दिलजीत अपने शो में बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें कि दिलजीत ने 26 अक्टूबर को दिल्ली से अपने दिलनुमाटी टूर की शुरुआत की थी। ये टूर जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर और चंडीगढ़ जैसे शहरों में होगा और 29 दिसंबर को गुवाहाटी में खत्म होगा। उनके हर शो में उनके चाहने वालों की काफी भीड़ उमड़ रही है और उनके फैंस का जोश देखने लायक है। दरअसल दिलजीत की पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। वो अपने फैंस से लगातार जुड़े रहते हैं और उनके पोस्ट पर जबरदस्त रिएक्शंस भी आते रहते हैं, और यही कारण है कि उनके कॉन्सर्ट्स की टिकट भी चुटकियों में बिक जाती है। इससे उनके फैंस फॉलोइंग का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तेलंगाना सरकार का ये कदम दिखाता है कि कोई भी म्यूजिक शो हो, वो लोगों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि दिलजीत के आगे के शो पर इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन ये विवाद म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। तो क्या आप भी दिलजीत के कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।